अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग्स। आज की वीडियो में हम आपको एक 5x2 वॉल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले इसके नाम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 5x2, इसमें 5 से मुराद नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वाल्व की और 2 से मुराद इसकी नंबर ऑफ स्ट्रेट्स हैं। इसी तरह एक 3x2 वाल्व भी अवेलेबल होता है जिसके अंदर 3 पोर्ट्स और 2 स्ट्रेट्स होती हैं। अगर आप लॉजिकली सोचें तो एक 5x2 वाल्व को 3x2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपली आप 5x2 की 2 पोर्ट्स को ब्लॉक कर दें और वो एक 3x2 वाल्व बन जाएगा। अब इसका इंडस्ट्री में यूज़ क्या होता है? इसको इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज़ किया जाता है, यानी कि आप एक डबल एक्टिंग एक्चुएटर को ऑपरेट या एक्चुएट कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्शन प्रोवाइड वो इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चले हम अब एक 5x2 वाल्व के इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं। आपकी ईज़ के लिए मैंने एक कटवी मॉडल प्रिपेयर किया है और उसको पेंट कर दिया है। ये उसकी बॉडी है जो मेन वाल्व बॉडी है। उसके अंदर एक स्पूल पीस लगता है जो यहाँ पे येलो में शो हो रहा है आपको। ये स्पूल पीस इस वाल्व बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है। इस स्पूल पीस के अंदर हम एक प्लंजर इंसर्ट करते हैं। अब यह प्लंजर 2 टाइप का हो सकता है। अगर आप इस प्लंजर को देखें तो ये दोनों साइड से बंद है, जबकि ये प्लंजर एक साइड से ओपन है और दूसरी साइड से बंद है। इसकी ओपन साइड में ये स्प्रिंग इंसर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 5x2 वाल्व 2 टाइप का हो सकता है, यानी कि एक मोनोस्टेबल हो सकता है और बाईस्टेबल हो सकता है। एक बाईस्टेबल वाल्व का प्लंजर दोनों साइड से क्लोज होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाईस्टेबल से मुराद है चाहे वो दोनों में से किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी स्टेट पे हो, चाहे वो इस साइड पे हो चाहे वो इस साइड पे हो, वो स्टेबल रहेगा अनलेस आप दूसरी साइड से उसको एयर सप्लाई प्रोवाइड करें। उसी तरह मोनोस्टेबल सिर्फ एक साइड पे स्टेबल होता है क्योंकि उसके दूसरी साइड पे स्प्रिंग रिटर्न का मैकेनिज्म लगा होता है। आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हुए आप अपना वाल्व चूज़ करते हैं और उसकी स्टेट्स को चूज़ करते हैं। चले अब हम इसकी वर्किंग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा 5x2 वाल्व है। उसके ऊपर हमने एक गैस्केट लगाया है लीकेज से बचने के लिए, और ये उसकी बेस है। इस बेस में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 आउटपुट पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। ये आउटपुट पोर्ट्स वो पोर्ट्स हैं जो हमारे एक्चुएटर या सिलेंडर के साथ आगे जाके कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 2 एयर के सिग्नल्स हैं, यहाँ से हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको वाल्व की सप्लाई नज़र आ रही है, यहाँ से हमारी न्यूमेटिक सप्लाई जाती है। और ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये एग्जॉस्ट पोर्ट हैं, जो रिमेनिंग एयर होती है वाल्व की बेस के अंदर वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर आप मेन वाल्व में देखें 5x2 तो अंदर आपको स्पूल पीस नज़र आ रहा होगा और उस स्पूल पीस के अंदर ही हमारा प्लंजर मौजूद है। अगर आप ये 2 होल्स देखें अपनी स्क्रीन पर तो ये हमारे सिग्नल के होल्स हैं, यहाँ से न्यूमेटिक सिग्नल अंदर जाता है। ये बॉडी इसके बेस के ऊपर इस तरह से प्लेस की जाती है और ये होल्स, ये 4 होल्स अगर आप देखें तो इनको अलाइन होना चाहिए। ये हमारे सिग्नल के होल्स हैं। जब ये प्लंजर जब यहाँ पे इस पोर्ट पे सिग्नल आता है तो ये प्लंजर इस साइड को मूव करता है। जो ही ये इस साइड को मूव करेगा इस वाली आउटपुट पोर्ट में से सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। सप्लाई को ये पाथ मिलेगा और ये एक्चुएटर को अकॉर्डिंगली मूव करवाएगा। सिमिलरली जब सिग्नल इस पोर्ट पे आएगा, इस सिग्नल पोर्ट पर, तो ये प्लंजर यहाँ मूव करेगा। जब ये प्लंजर इस साइड पे मूव कर गया तो इसका मतलब है यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी आउटपुट से और इस आउटपुट पे सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। सप्लाई को नया पाथ मिल गया। जो ही सप्लाई को नया पाथ मिला वो एक्चुएटर को दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए इसको डायरेक्शनल वाल्व भी कहते हैं। लेकिन जब एयर अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो एग्जॉस्ट पोर्ट फिर काम आती है, यानी कि जब प्लंजर राइट साइड पे मूव करेगा तो जो सप्लाई है, जो ऑलरेडी ट्रैप्ड एयर है, वो लेफ्ट वाले एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब प्लंजर लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो ट्रैप्ड एयर राइट एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगी। चलिए अब हम इस डायग्राम की मदद से उसकी इंटरनल वर्किंग को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
अगर आप देखें तो यहाँ पर 5x2 डायरेक्शनल वाल्व की पोर्ट्स लेबल की गई हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 1 हमारी सप्लाई पोर्ट है, 3 और 5 ये हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट है, 2 और 4 ये आउटपुट पोर्ट्स हैं जो फाइनली एक एक्चुएटर या सिलेंडर के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ 1 पोर्ट से सप्लाई 2 की तरफ डायरेक्ट हो रही है, 2 आउटपुट पोर्ट की तरफ, और वही सप्लाई फिर आगे सिलेंडर को जा रही है। और इसमें अगर आप देखें तो जो सिलेंडर में पहले से एयर थी ट्रैप्ड एयर, वो 4 आउटपुट पोर्ट के थ्रू 1 पोर्ट से एग्जॉस्ट हो रही है, जबकि 3 एग्जॉस्ट पोर्ट इस टाइम पे ब्लॉक्ड है। इसी तरह हम अगर आगे देखें दूसरी कन्फिग्रेशन, तो ये उसकी सेकेंड स्टेट बन जाती है। सेकेंड स्टेट में 1 से 2 की बजाय 4 को आउटपुट डायरेक्ट हो गई है। जब सप्लाई से 4 को आउटपुट डायरेक्ट हो गई तो आउटपुट सिलेंडर की दूसरी साइड पे चली गई एयर, और जो ऑलरेडी मौजूद एयर थी वो 2 आउटपुट पोर्ट के थ्रू 3 से एग्जॉस्ट हो गई। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, इसीलिए हम इसको बाईस्टेबल कहते हैं या बाईस्टेट वाल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट के अंदर 2 से आउटपुट निकली और सिलेंडर के राइट साइड पर चली गई और लेफ्ट साइड से एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन सेकेंड स्टेट में राइट लेफ्ट साइड से आउटपुट गई और सिलेंडर के लेफ्ट साइड पर चली गई, और वो राइट साइड से जो एयर थी वो एग्जॉस्ट हो गई। चलें अब हम नेक्स्ट इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं। जब ये वाल्व आता है तो इसके साथ पूरी किट होती है, जिसके अंदर ओरिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। इस बॉडी के अंदर बड़े वाले ओरिंग्स डलते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ओरिंग की प्लेस नज़र आ रही होगी आपको। इन ओरिंग्स का मकसद ये होता है कि जब ये स्पूल पीस इसके अंदर इंसर्ट होगा इस तरह से, तो ये स्पूल पीस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्पूल पीस वाल्व के अंदर मूव करे। असल मूवमेंट जो होती है वो इस प्लंजर की होती है जो स्पूल पीस के अंदर इंसर्ट होता है। अगर स्पूल पीस मूव करेगा तो ये एक मेंटेनेंस फॉल्ट है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। उसके लिए हम अपनी ओरिंग्स चेंज करते हैं। सिमिलरली इस प्लंजर के साथ भी ओरिंग्स आती हैं, वो छोटी वाली ओरिंग्स होती हैं। उन ओरिंग्स का मकसद होता है कि एयर लीकेज को रोक सके वो। जब ये प्लंजर स्पूल पीस के अंदर जाता है तो इन होल्स के थ्रू एयर इस प्लंजर को मूव कराती है, और वो ओरिंग्स इंश्योर करती हैं कि प्लंजर से एयर लीकेज ना हो। और यहाँ पे जो आपको छोटी छोटी बार्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से ल्यूब ऑयल या फिर डस्ट वगैरह एग्जॉस्ट हो जाती हैं। चले अब हम फिजिकली इस प्लंजर को मूव करता हुआ देखते हैं। ये मेरे पास एयर सप्लाई है और इस एयर सिग्नल को मैं इस पोर्ट में प्रोवाइड करूंगा। जो ही मैं सिग्नल को प्रोवाइड सिग्नल लेता हूँ तो आप देखेंगे प्लंजर उस तरफ को मूव कर गया है। अब जिस तरह दूसरे सिग्नल पोर्ट के अंदर जब मैं सिग्नल दूंगा तो देखें प्लंजर फिर से उस तरफ को मूव कर गया है। तो अब आपने प्लंजर की फिजिकल मूवमेंट भी देख ली है। इसको फिट करने का तरीका बताते हैं वाल्व को। सबसे पहले देखें हमारे सामने वाल्व की बेस पड़ी हुई है। हम इस बेस के ऊपर ये गैस्केट प्लेस कर देते हैं। इस गैस्केट को हमने इस तरह से प्लेस करना है कि जो सिग्नल के पोर्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों, ये दोनों पोर्ट्स जहाँ पे सिग्नल आता है। उसके बाद इसके ऊपर हम वाल्व को प्लेस करेंगे 5x2 को, और इसकी प्लेसमेंट इस तरह होनी चाहिए कि जो चारों सिग्नल पोर्ट्स हैं ये आपस में अलाइंड हों। अगर इनमें मिस अलाइनमेंट होगी तो ये अंदर जो प्लंजर है वो मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से हम उसको प्रॉपरली प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम एल की बोल्ट्स इस पे लगाएंगे। ये बोल्ट्स लगाकर हम फिर फाइनली इसको टाइट कर देंगे। अब हम फाइनली इस वाल्व को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखते हैं। हमने उसकी एप्लीकेशन के लिए साथ में एक बटरफ्लाई वाल्व कनेक्ट किया है। देखेंगे अगर आप ट्यूबिंग, तो उसकी दोनों आउटपुट पोर्ट पे 5x2 की हमने एक बटरफ्लाई पोर्ट लगा दी है। अब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। यहाँ पर 4 kg की सप्लाई हमने प्रोवाइड की है, क्योंकि इस बटरफ्लाई वाल्व का ऑपरेशनल प्रेशर ऑलमोस्ट 4 kg प्लस सेंटीमीटर स्क्वेयर है। चलिए अब हम इसको सिग्नल प्रोवाइड करके इसको ऑपरेट करवाते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग के लिए इसको सिग्नल देते हैं। ये देखें ओपनिंग का सिग्नल दिया, वाल्व ऑपरेट हो गया और बटरफ्लाई ओपन हो गया। चलिए अब हम इसको क्लोजिंग का सिग्नल देकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको क्लोजिंग का सिग्नल दिया,
वाल्व भी क्लोज हो गया और ये इस तरह बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।